तो ठीक है, अपन चलते हैं हमारे गूगल पे और देखते हैं कि अंडर 3000 to 5000 कौन कौन से होम थिएटर आ रहे हैं। बेस्ट होम थिएटर अंडर 5000 मैंने सर्च करा है। अब देखो, मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, साइट के थ्रू ही दूंगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या है, आपको लेने के लिए क्या करना है, ये क्या आपको EMI के ऑप्शन पे भी मिलते हैं। तो इसमें मुझे रिजल्ट बहुत सारे खोले हैं। पहले क्रोमा से है बोट 100W 2.1 मल्टीमीडिया चैनल, फिलिप्स DSP 2800 5.1 चैनल है। ये सब तो ठीक है, अपन नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। फ्लिपकार्ट आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे 5000 रुपीज़ के अंदर ये दिखा रहा है बहुत से होम थिएटर, वह देखते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। बोट का ये अपन ने वहाँ देखा था, देखते फिक्स 5000 रुपीज़ में है, डिलीवरी इसकी फ्री है। ठीक है, तो अपन इसके थोड़े लुक देखते हैं। ये इसकी फ़ोटोज़ है, 100W RMS है इसका। ठीक है, RGB डायनेमिक RGB LED टू सेट द वाइब, 2.1 चैनल, अच्छी बात है 2.1 चैनल है, यानी कि अगर आप इसको एज अ PC स्पीकर यूज़ करें तो और बढ़िया है। आप बेस को नीचे रख सकते हैं और दोनों चैनल को अपने PC के दोनों साइड रख सकते हैं। आप गेमिंग में भी यूज़ करो, बहुत शानदार है। मल्टीपल कंपेबिलिटी मोड्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, इसमें ब्लूटूथ का वर्जन दे रखा है, बहुत ही अब लेटेस्ट वर्जन है 5.0। ऑक्स USB SD कार्ड एंड FMB है इसके अंदर, तो आराम से FMB अपन सुन सकते हैं। और प्रीमियम स्लिक फिनिश विद LED डिस्प्ले है इसके अंदर, इसकी शायद ये अपर साइड में LED डिस्प्ले दे रखी है। हाँ, ये देखिए, ये रही बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल, दो इसमें ऑप्शन है, एक तो बेस का है और एक ट्रेबल का है, और एक जो नॉर्मल अपने आता है वॉल्यूम का वो है, यानी इसमें तीन आपको वैसे मोड के दे रखे हैं। इसमें इक्वलाइजर मोड भी है जिसके अंदर पॉप, रॉक, जैज, क्लासिक और कंट्री साइड, ये सारे म्यूज़िक आपको इसके अंदर प्ले करने में आपको आसानी है। आप पॉप बजाना चाहे कोई से गानों को पॉप में भी कर सकते हैं, रॉक करना चाहे रॉक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसकी पिक्स देख ली, अब इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ लिख रहा है बोट ब्लिट्स 2000 मल्टीमीडिया 100W ब्लूटूथ होम थिएटर प्रीमियम ब्लैक 2.1 चैनल। फ्लिपकार्ट से इसको 4.2 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि जिन्होंने भी इसको ख़रीदा है 7405 जनों ने इसको रेटिंग दी है, और 976 ने इसको रिव्यू दिए है। ठीक है, तो अपन ने ये देख ही लिया। अब इसमें और भी है, इसके अंदर आप EMI का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, आप जिस बैंक से है। ये भी तो नॉर्मल दिखा रहा है कि इतने से स्टार्ट हो जाती है। COD भी है, कैश ऑन डिलीवरी, और प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है इसकी, और फ्री डिलीवरी है। EMI का ऑप्शन बढ़िया है, क्योंकि अगर आपको बजट 5000 के अंडर है और आप डायरेक्ट खरीद सकते हो तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, नहीं तो आप EMI अगर पर मंथ की देना चाहे तो पर मंथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बात है नीचे अपन बोट 1 ईयर वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी जिस दिन आप इसको खरीदेंगे उस दिन से 1 साल की बोट कंपनी आपको इसकी वारंटी देगी। और इसमें फ्लिपकार्ट से खरीदे तो 50 सुपर कॉइन भी आपको मिलते हैं इस ऑर्डर पे। ठीक है, नीचे आते इसकी हाइलाइट्स पढ़ते थोड़ा सा। ओह, ये तो बहुत बड़ा है, ये मैं अभी आपको रीड करके नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे और भी कवर करने हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 100W RMS है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, वायरलेस रेंज, जो वायरलेस ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर है, मेमोरी कार्ड सबके स्लॉट है, ये इक्वलाइजर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप ये खरीदते हैं तो, एक सबवूफर, 2 सैटेलाइट स्पीकर मिलेंगे, एक हाँ ऑक्स केबल मिलेगी, एक FM एंटीना केबल, वो उसके अंदर ही एज अ इसके बैक साइड में आएगी, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगी जिससे आप यूज़ करते हो, वारंटी कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वारंटी कार्ड दे रहे हैं। कंपेरेटिव जैसे मैंने आपको बताया था सबके साथ होता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आप इसको TV में भी लगा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसने ऑक्स दे रखा है। इसकी डायमीटर बता देता हूँ, सैटेलाइट की विड्थ है 11.5 mm, सैटेलाइट हाइट है 15 mm,
सैटेलाइट डेप्थ 12.7 mm। ये उसके अंदर की जो स्पीकर है ये उसके बारे में बता रहे हैं, ना कि पूरे जो सैटेलाइट है उसकी, वो थोड़े बड़े आएंगे। ये स्पीकर जो अंदर उसमें वूफर स्पीकर छोटे से लग रहे हैं, ये उसके बारे में। और विड्थ देखते हैं पूरे के अपन, तो 25.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, हाई 27 सेंटीमीटर और डेप्थ 28.9, यानी कि 29 के समथिंग ही है। और ये है, आप इसका देख लीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन में अपन यहाँ पे जाते हैं तो कंट्री ओरिजिन इसका चाइना है, जेनेटिक नेम स्पीकर, 1 ईयर वारंटी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, फिजिकल डैमेज की ये वारंटी कवर नहीं कर सकते, यानी अगर आपने इसको गलती से डैमेज हो गया, गिर गया, इन सब की, तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये वारंटी का मतलब है जैसे कि इनके प्रोडक्ट में कुछ ख़राबी है, प्रोडक्ट चलता चलता बंद हो गया, स्पीकर फूक गए एकदम से आपने हाई वोल्टेज से, इस पे कंपनी आपको वारंटी कवर देगी। तो ठीक है, अपन ने ये बोर्ड देख लिया, अब देखते हुए दूसरे स्पीकर के ऊपर नीचे रिव्यू भी देख लेते हैं इसके। लोगों ने जो दिए उसकी फ़ोटोज़, क्वालिटी कंट्रोल बाय द बोर्ड इज़ वेरी लो, रिमोट रिमेन फॉल्टी इवन आफ्टर आई रिप्लेस द प्रोडक्ट वंस। अच्छा, इन्होंने एक बार प्रोडक्ट को रिप्लेस करा था, वो कोई कुछ कुछ प्रोडक्ट जो बोर्ड भी बनाते हैं उतनी बड़ी कंपनी, कुछ कुछ आ जाते हैं जो कि आने लाने ले जाने में डिफेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, अपन बैक आते हैं यहाँ से। अब ये तो हो गया 5000 के अंदर, ये बोर्ड का है। अब अपन कोई दूसरा देखते जो सब बोलते हैं कि यार बहुत महंगा है, थोड़ा कम में बताओ, थोड़े हाई वोल्टेज के अंदर बताओ। तो ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। एक ये है, ये स्पीकर भी अच्छा है, 9 कोर जंबो ब्लास्ट। ठीक है, 9 कोर जंबो ब्लास्ट, ठीक है ठीक है। अपन अपने दूसरे वाले होम थिएटर पे आ गए हैं, 9 कोर जंबो ब्लैक ब्लास्ट, नहीं था ब्लैक है, HTHI बेस साउंड लाइक DJ साउंड, 9500 वॉट ब्लूटूथ होम थिएटर। ये जो 9500 लिख रहे हैं, यानी 9500, ये इसकी रियल वोल्टेज नहीं है, ये PMPO के वोल्टेज बता रहे हैं। PMPO स्टैंड फॉर पीक म्यूजिक पावर आउटपुट, जो इसका पीक म्यूजिक पावर आउटपुट 95000 वॉट के समथिंग का है, जो PMPO अंदर की इसकी जो IC इन सब के होते हैं उसकी वोल्टेज होते हैं। ठीक है, और थोड़े पढ़ते हैं। होम थिएटर है, 5.1 चैनल के अंदर है, यानी सराउंड साउंड आपको ये अच्छे तरीके से दे देगा अगर आप इसकी प्लेसिंग अच्छी जगह करते हैं तो, जबकि LED वेलईडी सब में कनेक्ट हो जाएगा। ये है 4099, हाँ, फ्लिपकार्ट से इसको 343 जनों ने रेटिंग दिए, 44 ने रिव्यू दिए है, वो 343 में से 44 है, और 3.7 स्टार रेटिंग है 4099 के अंदर। ये भी बोर्ड की जैसे EMI पे अवेलेबल है, EMI फ्रॉम 141 आपको पर मंथ देनी पड़ेगी। ये अलग अलग बैंक्स है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो इससे, शायद ये इसकी सबसे लोएस्ट है, आप ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्लान में अभी आपको दिखाऊंगा, नहीं वीडियो लंबी हो जाती है, इसके पिक्स दिखा देता हूँ। देखिए, इसके साथ ये रिमोट आएगा, ऑक्स केबल आएगी, और इसके साथ साथ ये वूफर है, वूफर 95 वॉट्स के अंदर है। मैंने आज जैसा आपको कहा था 9500 वॉट इसका PMPO है। RMS या रूट मीजर स्क्वायर, इसका RMS है 95 वॉट्स, 95 वॉट्स का इसका RMS है। पर सैटेलाइट स्पीकर शायद तक 10 वॉट इसका कैरी करता है, और सब ऊपर इसके 45 वॉट्स या फिर 40 वॉट्स के अराउंड है, तो इसका जो पंचिंग बेस है वो बहुत शानदार आएगा आपके, अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं अराउंड, अगर आप इसको एक हॉल में अगर आप चला रहे हैं आपके घर के अंदर 20x25 के हॉल में, तो ये बहुत अच्छा साउंड देगा आपको, क्योंकि 40 वॉट इसका वूफर है और 50 वॉट के इसके अंदर साउंड लग रहे हैं ट्विटर के, और अगर सराउंड उसको आप करते तो बहुत शानदार, ये आपको अच्छी फीलिंग देगा। हाँ, DJ की जैसे नहीं देता, वो DJ की आपको तब देगा जब आप इसको छोटे कमरे में प्लेसमेंट करते हो। ठीक है, इसके थोड़े से प्रोडक्ट के वो बता देता हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इसमें ब्लूटूथ वर्जन दे रखा है 5, वही बोर्ड का जैसा ये, पर इसकी वायरलेस रेंज है 20 मीटर, कंपनी ने जो जिसने दे रखा है उसने इसकी वायरलेस रेंज 20 मीटर रखी है। अब अप्रॉक्स होगी
फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ है, इसने सिर्फ 20 लिखा है कंपनी ने, पर 20 to 20K to 20,000K तक हर्ज में ये आपको फ्रीक्वेंसी इजीली प्रोवाइड करवा देगा। और 75 dB यानी 75 डेसिबल का आपको नॉइज रेशियो मिलेगा उसको, तो बहुत ही अच्छा है हर्ज के अंदर ये बहुत ही अच्छा देगा। टेक्नोलॉजी इसमें डिजिटल यूज़ करी गई है। केबल की लेंथ जो उसके साथ ऑक्स आएगी वो ऑक्स की नहीं है, ये जो स्पीकर की जो आएगी ना आपके साथ जो केबल आएगी वो 2 मीटर की है, यानी 100 to 200 सेंटीमीटर की आपको केबल मिलेगी स्पीकर्स की। अगर अपन इसकी विड्थ की बात करें तो इसका 10 सेंटीमीटर विड्थ है, हाइट 15 सेंटीमीटर है और डेप्थ 10 सेंटीमीटर है। मोर इन्फॉर्मेशन इन स्पीकर इंडिया, जेनरिक नेम और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, अपन बाहर आते हैं और थोड़े से नीचे चलते हैं। तो साउंड क्वालिटी इसकी 3.4 है, बेस इसका 3.4 है, डिज़ाइन एंड बिल्ड भी 3.4 है। और बैटरी बैकअप यानी कि इसका यूजिंग का टाइम, ये बैटरी पे ऑपरेट नहीं होता साउंड, मैं आपको पहले बता दूँ, ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है। डायरेक्ट आप चाहते हैं इसकी, देखिए इस वाली पिक्चर के अंदर इन्होंने साउंड को फ्रंट में प्लेस कर रखा है टेबल के ऊपर, इसमें गुड दिया है, हाईली रिकमेंड करा है इन्होंने, अच्छा साउंड है। क्योंकि पर्सनली मैंने भी इसको यूज़ करा हुआ है, बहुत टाइम हो गया था इसको मेरे को यूज़ करते करते। इसके जो फ्रंट के ट्विटर उनका आपको जो झंकार होती है ना एक हाइस, वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है बेस का वो भी बहुत शानदार है। ठीक है, सेकेंड है ट्रैफिक एक परचेज लिखा है, यानी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक का मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग ने ख़रीदा, एक्सीलेंट गुड प्रोडक्ट। देखिए इन्होंने LED के सामने प्लेसमेंट करी है, तो ये सराउंड साउंड नहीं देगा इस वक्त, अलग अलग स्पीकर अलग अलग साउंड देगा, पर वो फ्रंट से आएगी तो एक ही लगेगी। पर अगर आप एक सब ऊपर को डाउन में रखते हो, फ्रंट एक स्पीकर जो कि आर साइड में उसको फ्रंट में रखी हो, बाकी के चारों को प्लेसमेंट कीजिए अलग अलग जगह, तो बहुत ही अच्छा साउंड आपको रिस्पॉन्स करवाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको साउंड में इंटरेस्ट है उनको शेयर करिए। अपन सेकेंड पे आते हैं, ये भी 9 कोर का, ये डिस्कोन 1991 है, ये 200 वॉट लिख रखा है, पर ये शायद 200 वॉट नहीं है, ये 3610 के अंदर 200 वॉट नहीं आता। 104 जनों ने रेटिंग दी है, 6 जनों ने रिव्यू दिए है, 3.7 स्टार रेटिंग है फ्लिपकार्ट की तरफ से इसके लिए, इस पर के लिए। ये भी 5.1 चैनल ऑपरेटर है, इसमें देखिए प्ले पॉज बेस USB पोर्ट मोड प्रीवियस वॉल्यूम नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर नीचे की इसकी लेंथ है, 31 सेंटीमीटर डेप्थ है, और सेम 31 इसका फ्रंट है यानी ऊपर का है। LED के लिए इसके अंदर देखिए 2 कंट्रोल दे रखे, बीच में USB दे रखी है, साइड में 4 बटन दे रखे, और ऊपर LED स्क्रीन है। और फ्रंट में अपन देखें तो 9 कोर की ब्रांडिंग इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो अपन अब बैक आते हैं, कहाँ थे, ये इसके पास स्पीकर है, इसके अंदर ग्रिल नहीं दे रखी, एज ए प्लास्टिक से प्रोटेक्शन थोड़ी सी लगा रखी है। और ये इसके पीछे है एंटीना के अलग है, ऑक्स का अलग है, बाकी 5.1। ये CEN का मतलब होता है सेंट्रल साउंड, CEN का मतलब होता है सेंट्रल, जो कि सामने आपके बिल्कुल फिक्स होता है। और LR SL SR, LR का मतलब फ्रंट में लेफ्ट और राइट, और पीछे का मतलब साइड, यानी आपके जो साइड में लेफ्ट है और आपकी जो साइड में राइट है वो। ठीक है, इसकी रियल वोल्टेज में आपको बताऊँ तो ये अराउंड आपको 70 वॉट के अंदर मिलेगा, जो मैं खुद कह रहा हूँ, हाँ 70 वॉट के अंदर। इज दो बार लिख दिया, इज इज़ कनेक्ट टू मिस TV नॉट पॉसिबल, पता नहीं कि इन्होंने क्या लिखा, कौन सा TV है, पर हाँ बेसिकली सब TV के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको आज 3 स्पीकर्स के बारे में बताया, इन तीनों को आप ख़रीद सकते हैं, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप इनको ख़रीदिए, बहुत अच्छे स्पीकर है, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और धन्यवाद।